हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आपने नया पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया है या आप बनवा चुके हैं नया पैन कार्ड और आपके पास पैन कार्ड अभी तक नहीं आया है। आप जानना चाहते हैं कि पैन कार्ड हमारा कहाँ है, कब तक आएगा और क्या स्थिति है उसकी, तो यह काम आप अपने मोबाइल पर आसानी से ईजी तरीके से कर सकते हैं। अपने पैन कार्ड को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वह कहाँ है, कब निकला है और कब तक हमारे पास पहुँच सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसकी फुल स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस बता दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बता देता हूं। जैसे हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं, आपको अपने गूगल सर्च बॉक्स में NHDL टाइप कर देना है। NHDL जैसे हम टाइप कर देंगे तो हमारे सामने जो पहले नंबर पे रिजल्ट आएगा NHDL 10, इस पर हमें क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिस पर हमें कंटिन्यू करते जाना है। यह 3 बार आएगा, तो चलिए मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। वह मैंने कंटिन्यू कर दिया है। अब हम पैन कार्ड की जो टैक्स इंफॉर्मेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर हम पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ पर आपको धीरे से नीचे आके स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। नीचे आपको ये क्विक लिंक में ये सेक्शन दिखाई दे रहे होंगे, इस पर ये सेकंड वाला ऑनलाइन पैन सर्विस सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर सेक्शन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ और सब कैटेगरी आ जाएंगी, जैसे कि पेपरलेस पेन एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर पेन ऑनलाइन, नो स्टेट्स ऑफ पेन 10 एप्लीकेशन। तो हमें थर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, नो स्टेट ऑफ पेन एप्लीकेशन, क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि हमने जो पेन कार्ड बनाया है वह क्या, उसकी क्या पोजीशन है, वह कब तक हमें मिल सकता है। तो चलिए, ये हमने जैसे क्लिक किया तो हम एक नए पेज पर आ गए हैं। ना आप यहाँ देख सकती हैं NHDL के ऑफिशियल की तरफ से यह पेज खुला है, उसी की साइड से हम चेक कर सकती हैं। यहाँ आपको कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे जैसे कि एप्लीकेशन टाइप, आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पेन न्यू चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। और नीचे दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा एक्नोलेज नंबर। दोस्तों, आपने जब पैन कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई किया था तो उसके बाद आपको एक नंबर जारी किया जाता है जिसे एक्नोलेजमेंट नंबर कहते हैं, वह आपके पास होना चाहिए क्योंकि उसी से आप अपने पैन कार्ड को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ अपना एक्नोलेज नंबर एंटर कर देता हूँ। यह मैंने एक्नोलेज नंबर अपना एंटर कर दिया है। अब हमें जो नीचे की तरफ बॉक्स में कैप्चा दिखाई दे रहा है, कुछ लेटर्स दिखाई दे रहा है, इनको हमें फिल करना है। इनको जैसा कैप्चा हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, वैसा हमें इसमें टाइप करके फिल कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने टाइप कर दिया है। अब हम इस पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें हमारी पेन की स्टेट्स की सारी जानकारी यहाँ शो होने लगेगी। यहाँ आप देख सकती हैं जैसे कि मेरा एक्नोलेज नंबर दिया गया है, नेम दिया गया है और कैटेगरी दी गई है और नीचे स्टेट्स दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकती हैं ये स्टेट्स के बारे में लिखा हुआ है, योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच ऑन 30 मार्च 2021 वॉर ट्रैक एंड कॉरियर प्राइवेट लिमिटेड, क्वारियर वाइड एयरवे, विल नंबर इतना दिया हुआ है, एट द एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन इंडिकेट वाई यू इन द एप्लीकेशन, द पैन कार्ड विल बी डिलीवर इन ड्यू टाइम। तो यहाँ हमें इससे ये मालूम चल गया कि हमारा जो पैन कार्ड है वहाँ से 30 मार्च 2021 को निकाल दिया गया है और किस कुरियर सर्विस के द्वारा आ रहा है, तो ये कुरियर सर्विस का नाम दिया हुआ है ट्रैकॉन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड, कुरियर वाइड एयरवे के माध्यम से आ रहा है और यहाँ बिल नंबर हमें दिया हुआ है। तो अब हमें ये जानकारी चाहिए कि हमारा जो 30 मार्च को निकल चुका है पैन कार्ड, वह अब कहाँ है और कितना टाइम लगेगा उसे हमारे पास आने में। तो इसके लिए दोस्तों, ये आपके पैन का स्टेट में कोई भी किसी भी कंपनी सर्विस का कुरियर का एड्रेस दिया हुआ होगा, आपका उस पर क्लिक करना होगा, उसमें लिंक है। तो उससे पहले हमें क्लिक करने के पहले हमें ये बिल नंबर को अपने जो बिल नंबर दिया हुआ है इससे हम ट्रैक करेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे। अब मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये कुरियर कंपनी का नाम दिया हुआ है ट्रैकॉन कुरियर प्राइवेट लिमिटेड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्योंकि हमें अपना पैन
कार्ड की स्टेट जाननी है कि कहाँ है और कब तक ये हमारे पास डिलीवर होगा। तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारे सामने ये कूरियर सर्विस वाले का वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जिसमें हम नीचे स्क्रॉल करते हुए देखेंगे तो यहाँ हमें सर्च के ऑप्शन दिखाई देंगे, AWB नंबर, ऑर्डर या रेफरेंस नंबर। तो यहाँ हम ये खाली स्थान दिखाया, यहाँ हम अपना बिल नंबर एंटर कर देंगे और ट्रैक पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हमारा पूरी डिटेल शो होने लगेगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पूरी डिटेल, कंसाइनमेंट नंबर इतना दिया हुआ है, जिससे हमने बिल नंबर था वो हमने ट्रैक किया हुआ है। और ये देख सकते हैं 31 तारीख को ये एड्रेस दिया हुआ है, मुंबई एयरपोर्ट हब महाराष्ट्र, और 31 फिर इसके बाद में टाइम भी दिया हुआ है 14:46 इसने ये एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद ये 3 तारीख को 12:51 ये भोपाल आ चुका है, और इसके बाद फिर 3 तारीख को 16:15 यानी कि 4:12 पर ये यहाँ पहुँच गया है, और लास्ट में ये 5 तारीख दी गई है जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में पहुँच जा चुका है। तो दोस्तों इससे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हमारा कूरियर कहाँ कहाँ है और कब तक हमारे पास डिलीवर हो सकता है। और इतना ही नहीं, आप यहाँ इसकी शो POD का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इस पर क्लिक करके भी आप जान सकते हैं, और प्रिंट दिस पेज इस पर क्लिक करके भी आप कॉपी रख सकते हैं। तो हम इस पर एक बार और क्लिक कर देते हैं, इसमें हमारी क्या रखा डिटेल है तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें जो भी बिल है बिल नंबर उसमें दिया हुआ है, जो एक एक स्टेज से ऊपर गुजरता है तो उसमें शाइन होती हैं कुरियर बार इनकी। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें तारीख दी गई है, समय दिया गया है और नंबर दिया गया है। तो देखिए ये रिलायंस कुरियर वाले का है, ये मेरे पास मतलब मेरी सिटी में आ चुका है। तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कब निकला था, कहां कहां से होकर आया है और आपके पास कब आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।